नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम भारत जोड़ो आंदोलन, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में विगत कई महीनों से चल रहा है, उसी कड़ी में सोमवार को निरसा प्रखंड कांग्रेस प्रखंड स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो आंदोलन के तहत एक पैदल मार्च निकाला, जो निरसा प्रखंड कार्यालय से होते हुए सिनेमा मोड़ पहुंचा। इसमें प्रखंड स्तर के कई नेता तथा कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए निरसा सिनेमा मोड़ तक गए। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने एक स्वर से केंद्र में वर्तमान की भाजपा सरकार को हर मुद्दे पर गलत ठहराते हुए देश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को सही ठहराते हुए कहा कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही देश को सही ढंग से सभी जाति वर्गों को लेकर चलने में सक्षम है। जनता को संदेश है कि नफरत को तोड़कर हम लोग भारत को जोड़ना है, देश को बचाने की बारी है। देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, जो सरकार आई है, ये भाजपा की सरकार देश में नफरत फैला रही है। महिलाओं पर आत्मरक्षा नहीं है, महिलाओं पर शोषण हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इस सरकार को उखाड़कर हम लोग जनता से अपील करते हैं कि नई सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 2024 में। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय भारत, जय हिंद।